अब कभी नहीं छूटेंगे आपके फेवरेट टीवी शोज Z5 के साथ बिल्कुल फ्री। रणबीर कहाँ चला गया? तो एक बार ना सोची ना तूने मम्मी की, इतने मम्मी दादी पापा सब परेशान रह रहे होंगे। अगली बार तूने ऐसा कुछ करो ना मुंह दोच देंगे हम तोरे। देख बेटा तू हमारे जिगर को टुकड़ो है गो, लेकिन दोबारा ऐसी हरकत की ना तो हम सच्ची में बता रहे तेरे नींबू नहीं छोड़ देंगे। जब बात तुमने अम्मा करेक्ट कही, और फिर जो बता तूने जो कैसे सोची के तू पराओ है। रणबीर देख अब सारी अटेंशन तुझे मिल रही है, प्यार भी तुझे मिल रहा है, तो अब ज्यादा रो मत, अब सीधा सीधा पॉकेट मनी बढ़वाने की बात कर ले। देखा संगीतकार महोदय, ये जो बिना दिखावे वाला, मतलब ये जो औपचारिकता वाला, ये सब जो है ना ओरिजिनल घर परिवार में इतना प्यार मिलता है, बाकी और कहीं नहीं मिलता है। और अपने जो होते हैं ना वो ठोक बजा के ऐसे प्यार करते हैं। जोर से करो है। रणबीर सबकी जान तुम में अटकी थी, तुम इस घर के सबसे लाडले हो, अब पहले क्या हुआ क्या नहीं ये सब भूल जाओ, अब यही सब तुम्हारे हैं। यही खिलाने आए जब दिल टूटतू है ना, यही खिलाने हमने तो को पहले समझाई थी। लेबल भी समझाओ तो कि जब परीक्षा को लेबल और तेरो लेबल एक बराबर नहीं है, वह परीक्षा अलग लेबल की है, तू अबे अलग लेबल की है, तो को जब परीक्षा को लेबल मिलान के लाने काफी अब है टाइम लगेगो। लेकिन हमें एक चीज अच्छी लगी अम्मा, एक चीज जब बिटिया की अच्छी है, जिद, जिद्दी होनो चाहिए, जिद जा है काम आएगी, अभी नहीं आई तो का भाई, आगे आएगी, कछु साल बाद आएगी, आएगी। अरे रहन दियो। आएगी, हाँ ठीक है, 2 साल बाद आएगी। सेकंड रैंक है मेरी। अरे काम पूरे यूपी में सेकंड रैंक है मम्मी दादी। 2 साल बाद आएगी। मेरी बेटी सेकंड आ गई, वही सेकंड 2 नंबर। जाने पहले से पता तो कि मलाइका ना झंडे गाड़ेगी जीते भी जाएगी, सुन लो तुमने। अरे शाबाश बिटिया, तूने वो काम कर दो जो तेरो बाप आज तक ना कर पाओ, तूने हमारे खानदान को नाम रोशन कर दो। नहीं नहीं दादी ऐसी बात नहीं है, मतलब बापू भी तो पुलिस में है, बापू को देख के तो मुझे पुलिस में भर्ती होने का जोश चढ़ा। सुनो गुइया, 4 बार परीक्षा दी तेरे बापू ने, 4 बार फेल, और 4th बार जब फेल भाओ ना तो टसवे बहाने लगो, हम आओ मन पसीज गो, हमने अपने सोनों का शर्ट बेच दो तब मिली जा को नौकरी। बात कर रहा हूँ है, तूने तो एक ही बार में झंडे गाड़ दे हमारी बिटिया। अच्छा चल बापू अब तो खुश हो जा, पास होगी मैं। हाँ हाँ बधाई हो बधाई हो। हम तो यही कहते हैं भगवान से कि तो कुछ दिन दूनी रात चौगनी प्रगति दे। थैंक यू थैंक यू। मैं थैंक यू तो ठीक है, भगवान जी को भी थैंक यू बोल दे। हाँ, चल हाँ हाँ जा जा चल पैर पड़ो है ना। आज हमें तू भी इतनो गर्व हो रहा है, हमें ऐसा लग रहा है हमारी छाती भूल के सारी फट जाएगी। तेरी जैसी एक ठैया बिटिया ना, करेक्ट 10 ठैया बेटन के बराबर है, तेरे जैसी एक बिटिया हो जाए बस कछु नहीं चाहिए जीवन में। आज हमें सच में बहुत गर्व हो रहा है अपने आप पे, आज एक बात समझ में आ गई हमें, लोग तू को आज हप्पू सिंह की बिटिया के नाम से जानते हैं ना, लेकिन आगे आने वाले टाइम में लोग हमें मलाइका के पापा के नाम से जानेंगे, आज हमें विश्वास होगा। सोचो दादी पहले बता दादाजी यहीं आसपास है कहीं? इतने ही खड़े हैंगे। दादाजी पहला आशीर्वाद आप दे दो। कुछ ना बिटिया, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है, बहुत बड़ी अवसर पर के वापस आना, ये अफवाह की तरह ना नौशावर के पचड़े में मत बनना। दादाजी कह रहे हैं कि बहुत बड़ी अफसर बनियो और हपुआ के जैसे निछावर के पचड़े में ना पड़ी हो। नहीं 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 कोई नहीं दादी, बढ़िया करूंगी सब। हम पर तो है हमारी बच्ची, तेरे अंदर जो लगन हैगी ना, हिम्मत हैगी ना,
माँ से तू कछु भी कर सकती है। हमें पूरो यकीन है कि तू उते जाके सबके नींबू निचोड़ देगी। नहीं नहीं दादी, टेंशन नहीं ले। जितनी ऊर्जा है ना, जितनी भी एनर्जी है, सब ये तेरे आशीर्वाद के चक्कर में है दादी। चल खुश रह, खुश। और बहनी अंकल, मप्पू को ना ध्यान से रखे, थोड़ा भोला सा है, कुछ भी उल्टा पुलटा काम करता ही रहेगा। आप ही हो बस एक सहारा। अरे दादा, एक और बार काहे इतना रो रहा है? केविन के वास्ते जा रही है। तुम चिंता मत करो, घर की, चोमूलाल की, सब हम लोग सब हैं। हम और तुम्हारी मौसी, ऐसा है कि तुम वहां जाके झंडे गाड़ देना, भाभी दरोगा साहब हैं। और केट दीदी, तू ना बस ऐसे रहिए, दुनिया की सारी चीजों से बेफिकर, बस अपने आप में मस्त रहिए और खुश रहिए एकदम। और कव्वे, अगर दीदी के चेहरे से मुस्कान हटी ना, मैं तेरा थोपड़ा सुझा दूंगी वहीं तक। मलाइका जा रही तू? कसम से बहुत बुरा लग रहा है मुझे। ये दिख रहा है कितना बुरा लग रहा है। इट इज ओके, बट मी केयरिंग ऑफ कैट की After, before you, well. चल, take care. दीदी, हमारे ग्रुप में से एक मेंबर जा रहा है, जिसके साथ इतनी मस्ती की है, अब वो यहाँ से जा रहा है। दीदी, बहुत बुरा लग रहा है। कोई ना, थोड़े दिनों के लिए बुरा लगेगा, फिर तुझे बहुत proud feel होगा, tension ना ले। अरे क्या कर रहे हुए तू? दीदी जाको छोड़ो। आप जाते ही झंडे गाड़ दिए, और अगर कछु भी प्रॉब्लम हो ना, बस एक चीज याद रखिए, आपने हमको झेल लो, बाकी जिंदगी की प्रॉब्लम का चीज है। पहली बार लाइफ में मतलब सो आने की सच बात कही तुमने, ये बात तो बिल्कुल सच है। वो कहाँ है? चमची कहाँ है? चमची जाके तेरा अंदर और भी ज्यादा रो रही है। बाने बोलो, वो आपको आखिरी बार बायना कह पाएगी। अच्छा, हाँ वैसे कोई नहीं, चल मैं उसे वीडियो कॉल पे बाय बाय कर दूंगी। ध्यान रखियो अपना, ठीक है? जी। तू कौन सी ट्रेनिंग में जा रहा हूँ, दरवाजे तक छोड़ने जा रहा हूँ, चल जल्दी कर। बेटा, हम अश्वत हमेशा तुम्हारे संग है। पता है, तुम जा खानदान की जब मोहल्ले की ना पहली लड़की हो जो महिला पुलिस बनेगी। तुमने हमारा माथा ना ऐसे गर्व से ऊंचा कर दो बेटा। मम्मी कैसी बात कर रही है, सब सारे साथ के बिना पॉसिबल थोड़ी था। अब तो देख, कभी कभी तो मुझे ही समझ नहीं आता, मजाक में बात शुरू हुई थी, कैसे मेरा सपना बन गया, और आज देख ट्रेनिंग पे भी जा रही हूँ मैं। चाय खिलाने, सपना देखना जरूरी होता है। हाँ, मैं बहुत सेंटी बातें हो गई, अब बस कोई नहीं, अब तुम अंडे उबालने का और कुछ नहीं, खाने का ध्यान रखना अपने। कोई बात नहीं, ट्रेनिंग पे सब सिखा देंगे, तो बस मम्मी अपना ध्यान रखिए और अच्छे से खुश रहिए एकदम, बस ठीक है? हाँ। Z5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।